हेलो फ्रेंड्स, हम बात करेंगे इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लेके। ये शेयर मुझे काफी इंटरेस्टिंग और काफी अच्छा नजर आता है। ओके, कभी इस शेयर की मट्टी पलीत होती हुई नजर आई थी, बहुत सारे फ्रॉड्स होते हुए नजर आए थे, बट मैनेजमेंट चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। ओके, और ये शेयर एक रेंज से निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं यहाँ पर जब चार्ट पे आऊंगा तो आपको यहाँ पर बताऊंगा कि किस तरीके का यहाँ पर पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो ऑब्वियसली बात है ऐसे शेयरों में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि आपको एक वेल्थ क्रिएशन होती हुई नजर आए, तो याद रखिए सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े लोग हैं वो छोटे स्टॉक्स ही ढूंढते हैं, प्लस में वो ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जहाँ पर वैल्यू नजर आती है, प्लस में वो यहाँ पर रिस्क लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आप रिलायंस, HDFC, इन्फोसिस, TCS इसके पीछे घूमते रहते हो, वो लोग दूसरे अपॉर्चुनिटी के पीछे घूमते रहते हैं। और अगर बड़ा बनना है तो ऑब्वियसली बात है आपको भी उसी तरीके की सोच, उसी तरीके से यहाँ पर स्टॉक मार्केट को अप्रोच करना पड़ेगा। ओके, रिस्क मार्केट में आए हो तो ऑब्वियसली बात है आपने पहले ही माइंड को मेकअप कर रखा होगा कि हाँ यहाँ पर है तो रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व है और उसी तरीके का रिवॉर्ड भी यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। और इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हम बातें करते हैं। देखिए, स्मॉल कैप कंपनी है। ओके, और यहाँ पर इंडस्ट्री का पी 23 का है, इसका 6 का पी है, तो यहाँ पर पी के बेसिस पर मैं कभी काम नहीं करता, बट स्टिल यहाँ पर आपको बताना था कि सस्ता शेयर है। बुक वैल्यू देखिए 359 की है, करंट वैल्यू 154। कल को यहाँ पर कंपनी बंद होती है, 359 तो आपको मिलने ही मिलने क्योंकि आपके पास शेयर है। इसके अलावा इंट्रेंसिक वैल्यू 300 की है, यहाँ से यहाँ तक भी जाता है तो डबल के रिटर्न तो आपके ऐसे ही हो गए। प्लस में यहाँ पर चार्ट क्या बता रहा है उस पर भी जाऊंगा, चार्ट भी यही कह रहा है कि यहाँ तक तो पहुंचना ही है। डेट से रिलेटेड बातें नहीं करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पर लिख रहा हाउसिंग फाइनेंस, फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो काम ही लोन का है, प्लेजिंग किसी तरीके की है नहीं। ओके, और शेयर यहाँ पर काफी अच्छा नजर आता है, 230 का हाई भी लगाया था, अगर वहां तक भी शेयर जाता है तो भी सब 50-60% के रिटर्न हो गए। जब हर तरीके से आपको दिखा रहा है कि भाई यहाँ पर पैसे बन रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर आपको क्या करना है, रहना है। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस से रिलेटेड हम यहाँ पर बातें कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए, इज रजिस्टर्ड विद द रेगुलेटर बाय नेशनल हाउसिंग बैंक एंड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग होम लोन्स एंड लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स कॉर्पोरेट मॉर्गेज लोन, लीज, रेंटिंग, डिस्काउंटिंग एंड रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन फाइनेंस। तो यहाँ पर जितने भी होम लोन से रिलेटेड यहाँ पर ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है, अलग अलग तरीके के यहाँ पर लोन देती हुई नजर आती है। यहाँ पर आप देखेंगे होम लोन यहाँ पर अलग अलग साइज के, यहाँ पर सेमी अर्बन लोन यहाँ पर देती हुई नजर आती है, स्मार्ट सिटी लोन यहाँ पर देती हुई, लोन बुक यहाँ पर दे रखी है कंपनी की। कंपनी एसेट की बात करें, कंपनी एसेट, NPS यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो एक बार इसके यहाँ पर विजिट कर लीजिएगा तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया आ जाए कि कंपनी एग्जैक्टली है क्या, कंपनी में किस तरीके की स्टार्टिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी। ओके, और जाके एक बार इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस की वेबसाइट को भी विजिट कर लीजिएगा तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा। यहाँ पर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर ब्लॉक कर रखिए, कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखिए। कभी ये शेयर मल्टी बैगर रिटर्न दिया करता था, 1300-1400 रुपये का शेयर हुआ करता था, आज 150 रुपये का मिल रहा है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कहेंगे लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा शेयर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है लॉन्ग टर्म के हिसाब से हम चूज नहीं कर रहे। हमें किस हिसाब से चूज करना है, हमें ऐसे चूज करना है कि हमने अभी शेयर लिया, कुछ टाइम बाद हमें यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न मिले और हम एग्जिट कर गए। हमें यहाँ पर किसी भी शेयर को दिल से लगा के नहीं रखना। ओके, ये कोई हमारी दिल रुबा नहीं है कि हमें इसे दिल से लगा के रखना है, हमें सिंपली इस शेयर को थोड़े टाइम के लिए यहाँ पर जब तक हमारे पैसे बन रहे हमें तब तक इसे रखना है। अब बात करते हैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर शेयर से रिलेटेड, तो क्वार्टरली रिजल्ट देखिए। कंपनी के रिजल्ट कभी अच्छे हुआ करते थे, यहाँ पर एक साइड बेस जोन यहाँ पर कह सकते हैं कि साइड बेस यहाँ पर कंपनी के रिवेन्यू आते हुए दिखाई देते हैं, यहाँ पर काफी सारी प्रॉब्लम्स भी आती हुई दिखाई देती कंपनी में। इसके अलावा कंपनी के बात करें एक्सपेंसेस और इंटरेस्ट सब कुछ निकालने के बाद कंपनी का फाइनेंशियल मार्जिन देखिए 19% का है, जो कि ईयरली बेसिस पर यहाँ पर ज्यादा है और क्वार्टरली बेसिस पर थोड़ा सा 1% के हिसाब से यहाँ पर कम दिखाई दे रहा है। कंपनी का EPS देखिए, कंपनी का EPS 6.14 पे यहाँ पर खड़ा हुआ है, काफी अच्छा यहाँ पर EPS भी है। नेट प्रॉफिट देखिए 289 करोड़ रुपीज के आसपास के, क्वार्टरली ईयरली दोनों बेसिस पर यहाँ पर अच्छा नजर आता है। और यहाँ पर NPS देखिए, कंपनी के NPS ईयरली बेसिस पे तो ग्रो हुए हैं, ओके, बट क्वार्टरली बेसिस थोड़े से कम होते हुए नजर आ रहे हैं। और कंपनी, ओके, जो मैनेजमेंट यहाँ पर चेंज हुआ है ना, वो मैनेजमेंट इसी बेसिस पे चेंज हुआ है कि यहाँ पर कंपनी को यहाँ पर अब सुधारा जाएगा। आप आज यस बैंक को देख रहे हैं, यस बैंक में काफी प्रॉब्लम थी, उसके बाद यहाँ पर कंसोलिडेट आज भागता हुआ नजर आ रहा है, सब यस बैंक यस बैंक चिल्ला रहे हैं। प्रमोटर्स की बात करें तो 9.6% की हिस्सेदारी है इसमें, समीर गुलाटी के पास 3.56, इंडस इंफा
इनस इंफ्रा के पास यहाँ पर 5.93% की हिस्सेदारी है, FIs के पास लगभग 24%, DIs देखिए यहाँ पर लगातार अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहा है, ये पॉजिटिव सिग्नल है, चीजें नीचे आ जाती है, वैल्यू दिखाई देती है तो यहाँ पर हर कोई खरीदता है। पब्लिक के पास 50%, अदर्स के पास 4.8% की हिस्सेदारी है, और पब्लिक में भी देखेंगे कुछ यहाँ पर 1.65% की होल्डिंग कापरी ग्लोबल ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में यहाँ पर लेती हुई नजर आई है। ईयरली बेसिस पर कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही थी तो यहाँ पर शेयर भी अच्छा खासा मूव कर रहा था, बट धीरे धीरे यहाँ पर स्थिति खराब होने लग गई तो चीजें यहाँ पर नीचे आई, बट मैनेजमेंट अब चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, इस चीज की तरफ हमें क्या करना है, फोकस करना है। रिजर्व रिवेन्यू देखिए, कंपनी रिजर्व देखिए 16,000 करोड़ के रिजर्व है, बोरिंग कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर दे रही है, और धीरे धीरे जब बोरिंग दोबारा इस लेवल पर पहुंचेगी तो प्रॉफिट भी ऑब्वियसली बात है इस लेवल पर यहाँ पर आना है। ओके, यहाँ पर बात करते हैं और कुछ चीजों की, वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट लगभग 5600 करोड़, कैश की बात करें 5,700 करोड़ के आसपास का कंपनी का कैश भी है, तो कैश भी है, रिजर्व्स भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, एज वेल एज यहाँ पर बात करें कंपनी अच्छा खासा यहाँ पर अब काम कर रही है, स्टिल यहाँ पर किसी भी तरीके का यहाँ पर प्रॉब्लम, बट कंपनी यहाँ पर देखिए नेट प्रॉफिट अच्छा ऑलवेज यहाँ पर दिखा रही है, तो ये सारी की सारी पॉजिटिव बातें हैं। तो अब चार्ट से रिलेटेड बातें करते हैं और क्या यहाँ पर अच्छा नजर आता है उसे यहाँ पर देखते हैं, क्या स्टॉप लॉस है, क्या रिस्क है, क्या रिवॉर्ड है, वो भी यहाँ पर बात करते हैं। बट इससे रिलेटेड, इससे पहले आपसे बात करने से पहले आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि लोगों तक यहाँ पर चीजें पहुंचे, कब यहाँ पर अच्छी चीजों को खरीदना है, ऊपर के लेवल पे नहीं फंसना, नीचे के लेवल पे खरीद के प्रॉफिट बना के चुपचाप निकल जाना है। ओके, ये यहाँ पर सिखाया जाता है यहाँ पर हमारी वीडियो के थ्रू, प्लस में यहाँ पर एक वीडियो आ चुकी है, जाके देख लीजिए, लाइक सपोर्ट कमेंट करिए कोई क्वेरीज हो तो, एज वेल एज यहाँ पर देखिए टू अर्न मोर फर्स्ट लर्न मोर, तो यहाँ पर 8860540501, ओके 8169261037, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके कोर्स लॉन्च किया है आपके लिए, टेक्निकल एडवांस बेसिक्स टू एडवांस रिसर्च और फंडामेंटल, जिसने यहाँ पर सीख ली तो जैसे जैसे आपको यहाँ पर कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उससे पहले वीडियो बनाई थी, और लगातार यहाँ पर एक महीने से वीडियो बना रहा हूँ, और सारे के सारे शेयर ऊपर की तरफ, केवल ऊपर की दिशा देख रहे हैं, थोड़ा सा कोई जल्दी देख रहा है, कोई थोड़ा सा लेट देख रहा है, बट ऊपर की दिशा देख रहे हैं, तो ये उसके पीछे ये पूरा का पूरा कोर्स है जो मैंने अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डाल दिया है। तो आप इस कोर्स को यहाँ पर बाई करिए, ओके 1-to-1 क्लासेस होगी, जितने क्वेश्चन है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कराइए, अपने माइंड से स्टॉक मार्केट के हवा को निकाल के, स्टॉक मार्केट बहुत आसान है, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख के कर सकते हैं, उसे अपने माइंड में लाइए, और नए हैं तो ऑब्वियसली सीखिए, क्योंकि यहाँ पर जॉब से नहीं, इधर से पैसा बनेगा, सब कुछ ऑनलाइन नोट्स, 3 मंथ्स की प्रैक्टिकल लर्निंग, और जो भी कोर्स को 1 तारीख से पहले बाई करेगा, ओके यहाँ पर 1-to-1 क्लासेस में आपको दी जाएगी, प्लस में व्हाट्सएप ग्रुप में 1 महीने के लिए आपको फ्री है, उसके बाद 500 पर मंथ के हिसाब से हमेशा रहेगा, बाकी दूसरे लोगों के लिए 1000 रुपीज पर मंथ है, इन नंबरों पे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप क्या हो सकते हैं, ऐड हो सकते हो। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बात करते हैं आईविल हाउसिंग से रिलेटेड। शेयर में एक यहाँ पर अच्छे तरीके से ऊपर भागा, लगभग 300 रुपये पे गया, चीजें नीचे आई, लगभग 92 रुपीज पे ये शेयर यहाँ पर आया, एक सपोर्ट बनाया, एक यहाँ पर प्राइमरी सपोर्ट बना के चीजें यहाँ पर नीचे ऊपर की तरफ निकलती हुई नजर आ रही है। अब यहाँ पर एक यहाँ पर इसके हिसाब से मैं देखूँ तो यहाँ पर एक क्या इसे क्या कहते हैं, इसे 3C पैटर्न कहते हैं, ओके एक से चीट पैटर्न कहते हैं, चीट कप का पैटर्न कहते हैं, और उसके बाद ये हैंडल बनता हुआ नजर आ रहा है और इसे ही यहाँ पर चीटी जाती है। बट मैंने जैसे कि आपको यहाँ पर ऊपर बताया था कि 359 की क्या है इसकी, 359 की तो केवल और केवल यहाँ पर इस शेयर की बुक वैल्यू है, और इंट्रेंसिक वैल्यू देखो तो 313 रुपये के आसपास है, अगर शेयर यहाँ से यहाँ तक भी भागता है 313, तो देखिए इंट्रेंसिक वैल्यू तक भी जाता है, तो यहाँ पर आपके पैसे कितने हो गए, आपके पैसे हो गए यहाँ पर डबल से भी ज़्यादा, ओके लगभग लगभग आपके 100% के तो यहाँ पर रिटर्न हो गए सबसे पहली बात, ओके जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई भी दे रहा है, ये पूरा राउंडिंग बॉटम बन के टाइम लगेगा, ओके राउंडिंग बॉटम बन के चीजें ऊपर जाएगी और हायर हाइज और हायर लोज लगते हुए नजर आ रहे हैं। ये चीज क्या इंडिकेट कर रही है, ये चीज इंडिकेट कर रही है कि चीजों को ऊपर जाना है। मैंने कुछ टाइम पहले ही यहाँ पर एक वीडियो बनाई थी, ओके और यहाँ पर आपको बताया था ये शेयर खरीदिए, सॉरी ओके मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि ये शेयर खरीदिए, यहाँ पर पैसा बनेगा, और यहाँ पर देखिए सेम यहाँ पर वो पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा था, और कैसे 102 रुपये वाला स्टॉक 135 रुपये और हाई 142 रुपये का लगाया है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर कितने रुपए, लगभग 38% के रिटर्न मुश्किल से 1 हफ्ते के अंदर अंदर मिल गए, और सेम एज इट इज यहाँ पर वो ही पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, वो ही सब चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है। इंडिया बुल हाउसिंग एक में देख ओके सेम पैटर्न, बिल्कुल सेम पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको क्या करना है, ये पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी यहाँ पर ध्यान देना है। यहाँ पर देखिए स्टॉप लॉस की बात करूं,
छोटा सा रिस्क, छोटा सा रिस्क मतलब कितना स्टॉप लॉस लगा लीजिए 137 रुपए के आसपास, मतलब 15 रुपए का, 15-16-17 रुपए के आसपास का रिस्क है। सबसे पहला टारगेट 184 का है, दूसरा टारगेट 222 रुपीज का है, तीसरा टारगेट आपका 289 का है, और तीसरा और उसके बाद 313 का है, और थोड़ा सा और टाइम दे देंगे तो यहाँ पर कंपनी यहाँ पर चेंज होती हुई नजर आ रही है, सुधरती हुई नजर आ रही है। मीडियम यहाँ पर आप देखेंगे, ओके यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आप लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे, यहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा है, और ये कंसोलिडेशन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन नहीं है, 2019 से लेके अभी तक का कंसोलिडेशन है, लगभग 3 साल का कंसोलिडेशन है, ओके। और जैसे ही ये 308 का लेवल को निकालेगा, और आप बिल्कुल लो पे ले रहे हैं, याद रखिए शेयर जैसे ही यहाँ पर ये निकालेगा इस लेवल को, ये शेयर यहाँ नहीं रुकने वाला, फिर ये शेयर यहाँ पर और यहाँ पर रुकता हुआ नजर आएगा। तो मंथली लंबा चार्ट पैटर्न भी देखना सीखिए, वीकली चार्ट पैटर्न भी देखना सीखिए। यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही यहाँ इस लेवल से निकलेगा, चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी। क्या मेरे पास शेयर है? यस, मैंने आज ही बाय किया है, मुझे यहाँ पर अच्छा नजर आता है, शॉर्ट टर्म पीरियड के हिसाब से भी। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म रखना है, लॉन्ग टर्म एज पर द चार्ट पैटर्न मैं यहाँ पर देखूंगा। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे। कोर्स को एनरोल कर लीजिए, सीख लेंगे एक बार तो याद रखिए कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और यहाँ पर मेरा तो लाइफ टाइम सपोर्ट आपको आपके पास हमेशा रहेगा ही रहेगा, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू, हमारे इसके थ्रू, ये सारे के सारे शेयर आपको पहले ही मिल जाया करेंगे, आपको इससे भी बेहतरीन शेयर यहाँ पर पहले ही मिल जाया करेंगे ताकि आपको चीजें समझ में आए। सो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट करें जरूर ताकि हमें पता चले आप कौन कौन हमारी वीडियोस को देखते हो। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।